जो फिल्म की टैगलाइन आई थिंक वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करती है, दोस्त से थोड़ा ज़्यादा लेकिन गर्लफ्रेंड से कम। आई थिंक कई रिश्ते ऐसे होते हैं लोग करीब आ जाते हैं, दोस्ती से आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पूरे रिलेशनशिप भी नहीं बन पाते, तो आजकल ऐसा काफ़ी कॉमन है, सिर्फ उस रिश्ते को नाम दिया है। एक्चुअली चेतन जी आए थे मुझे जब बुक रिलीज़ के पहले, और एक जिसे टू फ्रीड कहते हैं, एक कॉम माइंडेड किताब लेके आए थे जो अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी। तो पहले जब उन्होंने दी थी मुझे लगा था कि हाफ़ गर्लफ्रेंड, आई मीन मैं तो थोड़ी फ्रिवलस सी पिक्चर होगी, मुझे लगा कि मैं आशिक की विलन बनाने वाला डायरेक्टर हूँ तो मेरे पास क्यों आए। तो जब अरे मैंने पढ़ा, आई रियलाइज दैट इस कैरेक्टर में वो एक इंडियन सी लव स्टोरी थी, हमारे रूट से कनेक्टेड थी ये कहानी, और इसका सोशल इशू जो था, जो इंग्लिश ना बोलने का, और एक मैंने काफ़ी लोगों को देखा है गोइंग थ्रू दैट सिमिलर प्रॉब्लम, बट ऑल्सो इट हैड दैट एंग्स एंड इमोशन दैट जो अक्सर मेरी फिल्मों में होता है। सो आई थिंक इट वॉज मोर हिज जीनियस टू कास्ट मी इन द फिल्म एंड टू एक्चुअली यू नो डिसाइड टू पुट मी एज डायरेक्टर इन दिस थिंग। तो वो सब आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा जो एक टिपिकल मोहित सूरी फिल्म में देखते हैं, बट इसमें चेतन भगत का फन और कॉलेज और लाइफ भी है। आई थिंक कई बार ऐसा हुआ है, लाइक ऐसे एक नहीं है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं, स्पेशली जो दो लाइक जैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है रिलेशनशिप हमारा कहाँ है, और जैसे लड़के कई बार उकसाते हैं कि अगर लड़की तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं हो रही है इसका मतलब वो सीरियस नहीं। मेरे साथ ऐसा हुआ है, लड़कों ने मुझे उकसाया इंजीनियरिंग कॉलेज में, ऐसे और जैसे वो बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, उन्हें सब पता है लड़कियों के बारे में, पर वो ऐसे मतलब फिल्म में डायलॉग भी है, हम जहाँ से आते हैं वहाँ एक ही तरीका है जानने का, लड़की तुमसे प्यार करती है या नहीं, वो जानने के लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। नहीं, आई थिंक द टेकिंग इट इन द इंटरप्रिटेशन इन द रॉन्ग वे। आपको लगता है हाफ गर्लफ्रेंड वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और फ्रेंड जोन वाला कैरेक्टर है, जो एक्चुअली ये है नहीं। यू नो कॉलेज में हाफ गर्लफ्रेंड वो लेवल पर रिस्ट्रिक्टेड था कि दोस्त कहते कि अगर आप तुम्हारी क्या लगती है वो, तुम उसके साथ घूमते फिरते हो, ये करते हो, बट बॉयफ्रेंड का कोई तुमको स्टेटस है नहीं, तो वॉट इज़ दिस रिलेशनशिप। बट सेकेंड हाफ में जब ये दोनों एक जब ये उनको सिखाने आती है एंड देर इज़ मच मोर ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट, पर वो पर उनका कोई रिलेशनशिप ऐसा है नहीं, पर फिर भी उसका उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो एक औरत है जो उनको काबिल बना रही है, उनको सपोर्ट कर रही है, तब हाफ गर्लफ्रेंड इज ऑल्सो दैट इमोशनल एंकर, इट बिकम्स दैट ऑल्सो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करने की बात नहीं, ये एक नया वर्ड है जो चेतन जी ने मुझे लगता है रीडिस्कवर किया है। मेरा मानना है कि आज अभी कोई ट्रुथ नहीं है जो हमें वापस नया डिस्कवर करते हैं, वी जस्ट रीडिस्कवर ओल्ड ट्रुथ्स। ये सच एक है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे लोग में ये रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट करते थे, सिर्फ उनको नाम नहीं दिया गया था, एंड टुडे चेतन हैज़ गिवन इट अ नेम। हुआ है, होता रहता है अभी भी, आज ही मैंने अभी वीडियो बना के लगाया है कि मेरे को जैकलिन लगता है, वो एक फिल्म मैंने लिखी थी किक, तो उसमें वो काम करती थी और मेरी उनसे बड़ी दोस्ती हो गई, और मेरे को बहुत ही लाइक उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि, और मुझे पता है कुछ ज़्यादा गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ नहीं होने वाला है, तो वो दोस्त से थोड़ा ज़्यादा है, गर्लफ्रेंड से काफ़ी कम है, पर है वो भी हाफ गर्लफ्रेंड आई थिंक। मैं फिर भी तुमको चाहूँ, नॉट ओनली टू माई वाइफ बट टू एवरी हाफ गर्लफ्रेंड दैट आई हैव एवर हैड, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उनसे रिश्ता तोड़ नहीं पाता, उसके जो लिरिक्स कहते हैं कि तुम मेरे हो, इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम रहे ना रहे, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो कि हम ना रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। आई थिंक दैट इज़ द सम अप फॉर एवरी रिलेशनशिप दैट आई हैव एवर हैड इन माय लाइफ, एंड आई वुड लाइक डेडिकेटेड नॉट ओनली टू माय वाइफ बट ऑल द हाफ गर्लफ्रेंड्स आई हैव आउट देयर। वेल टू बी ऑनेस्ट, पूरा ये जर्नी एक लाइन में सम अप करना मुश्किल है, क्योंकि इट हैज़ बीन वेरी moving for me, with the relationship I found in this film, my relationship with Chetan, it's almost become like an elder brother kind of thing with my unit, जो सब कहीं ना कहीं अपनी लाइफ इस पिक्चर पर होल्ड पर लग के उनको ये पिक्चर बनानी थी। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये फिल्म, आई मीन ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस नंबर्स मैटर अलॉट एंड यू वॉन्ट मोर मनी, क्योंकि आपको फिर और पिक्चरें बनाने को चांस मिलता है, बट वॉट आई वुड लाइक इज़ ये पिक्चर लोगों के दिल में रहे। मैं आज भी कहीं भी जाता हूँ तो लोग मुझे आशिकी के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट दैट, आशिकी एक 100 करोड़ वाली फिल्म थी नहीं, सो आई वुड प्रेफर दैट लोग 10 साल लेटर भी मुझे हाफ गर्लफ्रेंड के नाम से जाने, और दे टेल मी व्हाट अ गुड फिल्म इट वाज़।